नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू शिवाना आइस अकेडमीज यूट्यूब चैनल। आज एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, कैलेंडर। और ज़्यादा चुनिंदा बातें उसके ऊपर मैं नहीं करूँगा। कैलेंडर चैप्टर के ऊपर मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज़ या तो डेट निकालने को आती है, कौन से दिन कौन सा डेट रही होगी, या फिर निकाला ये जाता है कि कौन से कैलेंडर्स मैच करते हैं। हम इस समय जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक ही क्वेश्चंस के ऊपर आधारित क्वेश्चंस है, दैट इज कौन से कैलेंडर मैच करते हैं। जैसे एग्जांपल दूं आपको, मैं ऑड डेज एक टर्म होती है एज फार एज दीज चैप्टर्स आर कंसर्न। ऑड डेज का अर्थ क्या होता है? ऑड डेज उन दिनों को कहा जाता है जो वीक पूरे होने के बाद बचते हैं। जैसे एग्जाम्पल दूं आपको, मैं 8 दिनों में ऑड डेज होता है एक, क्योंकि 8 दिनों में हफ्ता होता है एक। एक हफ्ते में दिन होते हैं 7, उसको हटा दो, रिमेनिंग दिन जो बचेंगे उसे कहते हैं ऑड डेज। 11 दिनों में ऑड डेज होते हैं 4, 11 दिनों में हफ्ता होता है एक, दिन बच गए 4। ऐसे 21 दिनों में ऑड डेज होते हैं 0, क्योंकि 21 माने 7 = 21, पूरे पूरे हफ्ते आते हैं, कोई दिन नहीं बचता, इसलिए वो 0। ऐसे 22 में करूंगा तो 1, 27 में करूंगा तो 0, 35 में करूंगा तो फिर 0। इस सेंस पे क्वेश्चंस निकलते हैं कि 1 0 होता है संडे, 1 होता है मंडे, 2 कहते हैं हम ट्यूसडे को, 3 कहते हैं हम वेडनेसडे को, 4 कहते हैं थर्सडे को, 5 कहते हैं फ्राइडे को, और 6 कहते हैं सैटरडे को। अब हम एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं कैलेंडर का, दैट इज कि कौन कौन से वर्ष हैं जिनके कैलेंडर जो है वो मैच करते हैं, कौन कौन से ऐसे वर्ष हैं जिनके कैलेंडर्स करते हैं मैच। अब कैलेंडर मैच कब करेंगे? कैलेंडर का पहला दिन सेम होगा, और साथ में वो वर्ष जो होंगे उनके फैब के महीने भी सेम होने चाहिए, तब मैच करेंगे। कौन कौन से ऐसे वर्ष हैं जिनके महीने सेम होते हैं हर महीना? अगर मान लो 2000 के महीने में, जनवरी के महीने में पहला दिन शुक्रवार था, तो अगले कब शुक्रवार आएगा? पूरा साल मैच करना चाहिए वो। तो जब मैचिंग कैपेसिटी पे हम आते हैं तो सिर्फ एक बात अंडरस्टैंड करनी है, लीप ईयर जो होता है वो मैच करता है लीप ईयर से, और जो नॉन लीप ईयर है वो मैच करता है नॉन लीप ईयर से। अगर कोई लीप वर्ष है, माने वो 4 से भाग होता है, तो उसका मैच करने वाला वर्ष जो होगा वो लीप ईयर ही होगा, और जो नॉन लीप ईयर वाले मैच करेंगे वो नॉन लीप ईयर को ही मैच करेंगे। अब सवाल उठाते हैं कि कौन सा है, आइए देखते हैं, चेक करते हैं कि 1999 का कैलेंडर किससे मैच करता है। एक गेसिंग तौर पे एक सवाल हमेशा एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, चाहे पटवारी क्वेश्चंस है, चाहे वो जहां जहां पे कैलेंडर क्वेश्चंस आते हैं वहां पे ये क्वेश्चन आता है, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, इन अ सेंस ऑफ सब इंस्पेक्टर, इन एग्जामिनेशंस के अंदर ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, TJT, JVT, जहां भी क्वेश्चंस आते हैं। अब सवाल ये है कि आपसे ये पूछा जाना चाहिए कि मान लो पूछा जा रहा है कि 1999 का कैलेंडर किससे मैच करेगा, तो सवाल अंडरस्टैंड कीजिएगा कि हम यहां पे जो पढ़ रहे हैं ट्रिक को लेके मत चलना, ट्रिक एग्जाम के अंदर स्किप होती है, दिमाग में भूल जाती है। कई बार आपको ये पढ़ाया जाता है चैप्टर्स के अंदर कि जो साल भाग होते हैं वो 6 साल के बाद रिपीट होते हैं। अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे, डिफरेंट वीडियोज देखेंगे, तो वहां ट्रिक बताई जाती है। कौन सी ट्रिक? ट्रिक होती है कि कई बार 6 साल के बाद आता है, कई बार 11 साल के बाद आता है, कई बार 28 साल के बाद आता है, लेकिन ये ट्रिक पूरी नहीं है। अगर शताब्दी क्रॉस होती है तो वहां पे चीजें चेंज हो जाती हैं। तो इतनी सारी बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि अगर कट गया तो 28, फिर अगर सेंचुरी चेंज हुई और सेंचुरी वो लीप ईयर हुई तो 40 जब जमा करेंगे, ये सारी इन अ सेंस ऑफ जिस समय आप पढ़ते चैप्टर को है तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में जब बहुत सारे चैप्टर्स आपके पास आ जाते हैं तो ट्रिक से क्वेश्चंस करना बेवकूफी होती है। कैलेंडर चैप्टर एक भी ऐसा सवाल नहीं है जो बिना ऑड डेज के निकलेगा, आपको ऑड डेज निकालने ही पड़ेंगे।
तो जब ऑड डेज निकालने हैं तो क्यों ना सारे क्वेश्चंस ऑड डेज पे किए जाएं। एक बच्चा जो कैलेंडर चैप्टर पढ़ रहा होगा वो 100% ऑड डेज निकालना जानता होगा। अब सवाल को अंडरस्टैंड करना, हमें सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि हमें करना क्या है, हमें ऑड डेज क्रिएट करने हैं जीरो। जो भी हमने वर्ष लिया है इसके और अगले वर्ष के बीच में ऑड डेज हमने रिपीट करने, माने जीरो आने चाहिए। जब जीरो आता है तो मतलब वही दिन रिपीट होता है दोबारा से। जैसे 7 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, वही। मान लो आज संडे है, 7 दिन के बाद फिर संडे, उसके 7 दिन के बाद फिर संडे, तो माने 7 दिन के बाद संडे, 14 के बाद संडे, 21 के बाद संडे, 28 के बाद संडे, 70 के बाद संडे, इस तरह से। तो या तो आपको गैप मेंटेन करना है 7 का, या मेंटेन करना है 14 का, या करना है 21 का, या 28 का, या 35 का, माने मल्टीपल होना चाहिए वो नंबर किसका, 7 का। अब ये जब 7 का मल्टीपल है तो यहां पे एक चीज को फोकस करना, अंडरस्टैंड करना, 1999 को हमने मैच करना है अगले वर्ष से। तो 1999 क्या एक लीप वर्ष है? नहीं। एक लीप वर्ष में ऑड डेज होते हैं 2, और एक नॉन लीप ईयर में ऑड डे होता है 1। इतना सब जानते हैं। अब लीप ईयर मैच करेगा लीप ईयर को और नॉन लीप ईयर मैच करेगा नॉन लीप ईयर को। 1999 कौन सा वर्ष है? नॉन लीप ईयर है, क्योंकि ये 4 से भाग नहीं होता है। तो 1999 में ऑड डेज आया 1, 2000 क्योंकि एक लीप ईयर है तो ऑड डेज आए 2, 2001 लीप ईयर नहीं है तो ऑड डे आया 1, 2002 ऑड डे 1 ही आएगा लीप ईयर नहीं है, 2003 तो ऑड डे 1, 2004 4 से भाग होता है इसलिए ऑड डेज 2, 2005 1, 2006 में ऑड डे 1, 2007 में ऑड डे 1, 2008 में ऑड डे 2, 2009 में ऑड डे 1, और 2010 में ऑड डे 1, 2011 में ऑड डे 1, 2012 में ऑड डे 2। अब आते हैं, चेक करते हैं। देखिए, ये मैं आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं, इसलिए समय थोड़ा ज्यादा लग रहा है, 10 सेकंड लग रहे हैं। अदरवाइज इस क्वेश्चंस को टोटल 10 सेकंड लगेंगे। अब सवाल, एक ऑड डे, 2 और 3 4 5 6। अब ये 6 हो गया तो ये 7 और 8, पर हमने कहा था बनने चाहिए या तो 7 या 14 या 21 या 28 या 35, तो यहां 6 बन रहे हैं और 6 के बाद 7 बन ही रहे हैं, क्या बन गया, 8 बन गया। तो यहां 8, ये 9, ये 10, ये 11, 12, 13 और 14। तो यहां जैसे ऑड डेज हमारे पास हो गए 14। जब 14 ऑड डेज हो गए तो अगला वर्ष जो होगा वो इससे मैच करता होगा। तो 1999 का जो कैलेंडर है वो 2011 से मैच करेगा, 1999 का कैलेंडर। 1 2 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, अगला क्या है 1। अब आप देखेंगे यहां पे कि यहां पे 11 और एक 12, 12 साल जुड़े हैं, तो माने 99 से आगे 11 करेंगे। लेकिन इसको अंडरस्टैंड करना, बहुत सारे YouTube चैनल या बहुत सारे एग्जामिनेशंस के लिए आपको ये समझाया जाएगा या बताया जाएगा कि 11 जोड़ना होता है। अगर वो नॉन लीप ईयर हो तो 11 जोड़ना पड़ता है। लेकिन ये कहाँ गलत हो जाएगा, आइए बताते हैं। मान लो ये 2099 होता, ये साल जो है वो 2099 होता, कि कौन सा मैच करेगा। तो आप बखूबी जानते हैं कि 2099 जो है वो एक नॉन लीप ईयर है, वो 4 से भाग नहीं होता है। 2100 भी एक नॉन लीप ईयर है, क्योंकि 2100 एक सेंचुरी है, और सेंचुरी वही लीप ईयर होती है जो 400 का मल्टीपल होती है, और ये 400 का मल्टीपल नहीं है। तो 2100 में 1, ऐसे ही 2101 में फिर 1, 2102 में फिर 1, 2103 में फिर 1, और 2104 में 2, 2105 में 1, 6 में 1, 7 में 1, 8 में 1, 2, 9 में 1,
दस में एक, ग्यारह में एक और बारह में दो, ऐसे तेरह में एक, चौदह में एक और पंद्रह तक चलते हैं एक लेते हुए। अब बनाते हैं गैप, एक दो तीन चार पांच और दो सात। अब सात के बाद अगला जो आया दैट इज एक दो तीन चार पांच छ और सात, अगला आया पांच। अब यहां पे ये अंडरस्टैंड करना कि यहां पे एक दो तीन चार पांच छ सात और अगला क्या है, आठ है। तो माने सात होने के बाद कौन सा वर्ष आया, इक्कीस सौ पांच। 2099 जो है वो नॉन लीप ईयर है और हमने कहा था कि नॉन लीप ईयर जो है वो मैच करता है नॉन लीप ईयर को। तो यहां आया एक, अगला आया दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, शायद यहां पे छूट गया हमसे एक, 29 वन दिस इज टू थ्री फोर फाइव, यहां छूट गया हमसे, ये बाय मिस्टेक यहां गलती हुई है, 2105 नहीं आएगा, ऊपर नीचे चीजें हो गई यहां पे। चलिए 2100 में एक, 2101 में एक, 2102 में एक, 2103 में एक, 2104 में दो, 2105 में एक, 2106 में एक, सात में एक, आठ में दो, नौ में एक, दस में एक, ग्यारह में एक और बारह में दो। अब करते हैं एक दो तीन चार पांच और दो सात, सात और एक, लेट मी चेक, 2019 में एक, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक और दो, एक दो तीन चार पांच और दो सात, तो यही मैच करना चाहिए फिर, नॉन लीप ईयर को नॉन लीप ईयर मैच करेगा। 2099 में एक और डेज, 2100 एक नॉन लीप ईयर है तो ऑड डे एक, 2101 में एक, दो में एक, तीन में एक और चार में दो, दो तीन चार पांच छह सात, तो आ गया हमारे पास 2105। अब इससे आगे चलते हैं, 99 में एक, 2100 में एक, एक में एक, दो में एक, तीन में एक और चार में दो, तो दो तीन चार पांच छह सात, हमें गैप बनाना है 7 का, 14 का, 21 का। अब इसे अगला चेक करते हैं, तो पांच क्या है, तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस, एक ग्यारह, एक बारह, एक तेरह और ये चौदह पंद्रह, तो चौदह नहीं बन पाया। 17 में एक, 18 में एक, 19 में एक, 20 में टू, 21 में 1, 22 में 2, 23 में 1, सॉरी 1, 24 में 2, चेक करते हैं आइए। 5 से शुरू किया तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14 नहीं बना, 15 बन गया, 16, 17, 18, 19, 20 और 21, तो माने जो 2022 है ये इसको मैच करेगा। 2099 के बाद आया 5 और 5 के बाद कहां चला गया, 22 को, कितना गैप आ गया, करीबन 16 वर्ष का। तो आते हैं, पहले करते हैं शुरू 2099, तो 2099 में ऑड डे आया 1, 2100 एक नॉन लीप ईयर है तो ऑड डे आया 1, 2101 में 1, 2 में 1, 3 में 1, 4 में 2, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, अगला वर्ष जो होगा 7 का वो होगा हमारा जो इसको मैच करेगा। लेकिन आगे चलते हैं, एक दो तीन चार पांच छ और सात, फिर ग्यारह आ गया क्योंकि ऊपर नॉन लीप ईयर है और नॉन लीप ईयर हमेशा नॉन लीप ईयर को ही मैच करेगा, तो एक दो तीन चार पांच छ सात और अगला पांच का लीप ईयर आ गया, नौ और छ पंद्रह, छह वर्ष के बाद। आगे पांच किया तो पांच काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 और अगला 11 क्या आया, फिर से क्या आ गया, नॉन लीप ईयर, तो 11 आएगा। 11 के बाद चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 नहीं बना, 7 नहीं बना, तो 7 8 9 10 11 12 13 और 14 2022,
तो 2099 के बाद ईयर मैच करेगा 2105, फिर करेगा 2111 और फिर मैच करेगा 2122। ये वर्ष है जो आपस में एक दूसरे को मैच करेंगे। फिर रिपीट करूं मैं, मान लो आपको निकालना है कि 2005 का कैलेंडर किससे मैच करेगा, तो 2005 नॉन लीप ईयर है तो ऊपर लिख लो नॉन लीप ईयर। एक और डे, 2006 में एक, 7 में एक और 8 में दो। आपको इतना पता होना चाहिए कि 2000 लीप ईयर है, 2000 के बाद 2004, फिर 8, 12 ऐसे लीप ईयर होंगे। 2009 में एक और डे, 10 में एक, 11 में एक, 12 में दो, 13 में एक, 14 में एक, 15 में एक, 16 में दो, 17 में एक, 18 में एक, ऐसे 19 में एक और 20 में दो। चलते हैं, गिनते हैं, 7, 14, 21 ये बनने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 2011 लीप ईयर है, तो 2011 जो है वो 2005 से मैच करेगा। अब अगला देखते हैं, 11 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये बन गए 9, या फिर 7 मेंटेन करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 2, 8 बन गए, 7 नहीं बना, 8 बन गए। 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13 ये बन गया 14 और 2022 जो होगा उसमें 2 है, तो ये 2005 को मैच कर, 2005 में 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 दिन बन गए, अगला साल जो है वो मैच करेगा। तो 2005 जो है वो मैच करता है 2011 के कैलेंडर को, और 2011 किसे करता है, फिर सेम 11 में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 2, 8। हमने कहा था 7 बनना चाहिए या 14 बनना चाहिए, यहाँ पे 7 नहीं बन रहा है, 6 के बाद सीधे 8 बन जा रहा है, तो यहाँ 8, ये 9, 10, 11, 12, 13 और 14, 14 दिन यहाँ तक बन गए, तो अगला वर्ष जो होगा वो इससे मैच करेगा, माने 2022। चलते हैं आगे, मैच करते हैं, 22 में 2, 23 में 1, 24 में 1, ओ सॉरी माफ कीजिए कि यहाँ पे कैलेंडर सेम हो गए हैं, ऐसा नहीं था, ये गलत हो गया, यहाँ पे 22 नहीं करेगा, बाय मिस्टेक हो, यहाँ पे 16 लीप ईयर है, 20 लीप ईयर होगा, फिर होगा 24 लीप ईयर, तो 24, फिर 25 में 1, 26 में 1, 27 में 1, 28 में 2, 29 में 1, 30 में 1, 31 में 1 और 32 में 2। अब करते हैं जी, तो फिर 22 नहीं हुआ क्योंकि 14 दिन नहीं बने यहाँ पे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, तो फिर ये 2022 ही बना, बिकॉज ऑफ रीजन कि वो अगला साल था, पर उसमें दिन 2 नहीं थे, वो मैंने कैंसिल किया है। अब इसे काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 के बाद क्या आया आगे, 28, तो 2028। दिस इज द इजिएस्ट वे टू फाइंड कौन सा वर्ष किस वर्ष से मैच कर रहा है। अगर आपने वो ट्रिक याद की 6, 11, जबकि ये मैं मानता हूं कि जो ट्रिक बनी है वो कहीं ना कहीं तक सही होगी, लेकिन आप कितनी बातें याद रख पाएंगे, कभी 6 जमा करना है, कभी एक्सेप्शन केस में उसमें 12 भी जोड़ना पड़ जाता है, कई बार 11 जुड़ता है, फिर कई बार 12 भी जुड़ जाता है, लीप ईयर में 28 साल के बाद ईयर मैच होता है, लेकिन एक्सेप्शन केसेस हैं, कई बार 40 जोड़ना पड़ता है, तो इतनी सारी नॉनसेंस एक्टिविटीज से अच्छा ये है कि आप एक तरीके से गैप मेंटेन करो, दो बातें याद रखो, लीप ईयर को मैच करेगा और नॉन लीप ईयर को, या तो 7 का गैप होना चाहिए, या 14 का, या 21 का, या 28 का, माने ऑड डे 0 बनने चाहिए। अगर ऑड डे 0 हो गए तो अगला साल उस वर्ष से मैच कर जाएगा, ये क्वेश्चंस हैं हमारे। तो 2005 और 11 के बीच में 7 आए, 11 से आगे जब हम चले तो 6 के बाद 8 बन गया, 7 आया ही नहीं, इसलिए 7 ना बना के हम फिर 14 बनाएंगे, 14 नहीं बना तो फिर 21 बनाएंगे, 21 नहीं बना तो 28 बनाएंगे, पर बन जाएंगे। इफ एनी केस आपको अगर ये लगे कैलेंडर मैच आपका नहीं हो रहा है, कोई आपको दिक्कत है, समाधान आपका मैंने दे दिया हुआ है, रामबाण इलाज दे दिया मैंने, बट इफ एनी केस अगर आपको कोई दिक्कत है, आपको समझ नहीं आई है, वीडियो के माध्यम से बताएं कि आपको क्या लेक्चर सही लगा, इफ नहीं लगा है तो मुझे इंतला करें कौन सी चीज आपको समझ नहीं आई है। यहाँ फिनिश करेंगे, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। शिवाना इज अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू।